आज का हमारा लेसन है 10 चेंजिंग सीजन। तो आज हम पढ़ने वाले लेसन थे चेंजिंग सीजन। चलिए फर्स्ट टॉपिक है एंट एंड द क्रिकेट। ये इसमें ये स्टोरी है, इसमें हमें एंट एंड द क्रिकेट टू इंसेक्ट्स होते हैं उनकी स्टोरी को पढ़ना है और उसके बाद हम लेसन में आएंगे। चलिए देखिए। इट वॉज अ विंटर वंस अगेन एंड इट वॉज वेरी कोल्ड। क्या विंटर का समय होता है और विंटर बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है, आप सभी को पता है। Due to heavy snow, storms, everything was covered with snow. बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने की वजह से पूरा जो है आपको पूरा जो भी पूरा कवर्ड विद स्नो, पूरा स्नो से क्या है हर चीज आपको स्नो से कवर्ड दिखेगा, ढका हुआ दिखता है, ठीक है। And ant and a cricket were neighbors. और ant और cricket दो insects होते हैं, दो पड़ोसी होते हैं, ठीक है। The ant worked all summer from morning to evening every day. जो ये होता है एंट होता है वो क्या है, वो काम पूरा समय वो काम करता रहता है और मॉर्निंग टू इवनिंग एवरी डे, पूरे मॉर्निंग से लेकर सुबह से लेकर इवनिंग तक वो क्या काम करती रहती है, ठीक है। व्हेन विंटर कम, अब समर में क्या है जो छुट्टी होती है वो पूरा समर काम करती रहती है, सुबह से लेकर इवनिंग तक वो पूरा अपना जो है काम करती रहती है, ठीक है। वर्क ऑल समर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एवरी डे, ठीक है, रोज की बात करी गई यहाँ पे। व्हेन विंटर कम, अब आती है विंटर की बात, जब विंटर सीजन आता है द एंट हैड इनफ कॉर्न टू सर्वाइव अंटिल स्प्रिंग। नाउ द एंट सेट सेफली इन हिज वार्म होम, ठीक है। अब क्या होता है जो विंटर का जब सर्दी का मौसम आता है तो जो एंट होती है जो चींटी होती है उसके पास जो है इतना खाना होता है, कॉर्न मतलब मक्का मक्के वो होता है कि वो स्प्रिंग तक आराम से जो है अपना सुरक्षित अपने घर में रह सकती है, उसको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। चींटी के पास बसंत तक मतलब स्प्रिंग सीजन को हम बसंत कहते हैं, बसंत तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त मकई मतलब कॉर्न रहता है। अब चींटी अपने गर्म घर में सुरक्षित रूप से ठंडी में बैठ सकती है, ठीक है, ठंडी के मौसम में वो आराम से अपने गर्म घर में रह सकती है। फिर आता है नाउ द एंट सेट सेफली इन हिज वार्म, और वो अपने घर में आराम से सुरक्षित गर्म घर में बैठ सकती है। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे क्रिकेट की बात की जाए, वाज होमलेस, उसके पास घर नहीं होता, ही वाज फ्रीजिंग इन हिज होम एंड स्टार्विंग, ठीक है। क्रिकेट के पास घर नहीं होता है और वो अपने छेद में ठंड और भूख से बहुत मर रहा था, मतलब बहुत भूख और ठंड से बहुत परेशान था, ठीक है। फाइनली ही नॉक एट द एंड डोर एंड सेड, फिर वो कहाँ जाता है, वो चींटी के पास जाता है और चींटी के पास जाने का उसका घर डोर मतलब घर का दरवाजा खटखटाता है और बोलता है डियर फ्रेंड यू होम इज नाइस एंड वार्म, और बोलता है डियर फ्रेंड तुम्हारा घर बहुत ही अच्छा और गर्म है। Can you see, give me some food to eat and let me stay with you? क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ food खाना दोगी और मुझे अपने साथ इस घर में रखोगी? वो पूछता है, ठीक है। फिर आता है the ant invited him inside and asked the cricket, did not you say anything for the winter? चींटी बोलती है क्रिकेट से, क्या आपने सर्दियों के लिए कुछ भी नहीं बचाया है? आप घर पे बुलाती है अंदर और बोलती है क्या आपने सर्दियों के लिए कुछ भी नहीं बचाया है? What were you doing all summer? तुमने सारी गर्मी क्या किया? The ant said, you should always prepare yourself for difficult times in your life, but don't be sad. तो चींटी बोलती है, आप तो अपने जीवन में कठिन समय के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन तुम दुखी मत हो, ठीक है? I have enough food for us. मेरे पास enough मतलब बहुत food है. He gave him a nice warm place to sit and shared his food. और वो उसे बैठने के लिए जगह देती है और उसे जो है खाना भी खाने का अपने खाना में से अपना खाना उसे शेयर करती है, ठीक है। They both become the best of friends. और ये दोनों क्या है best friend बन जाते हैं। The ant walked in the summer so he had food in winter. He did not have to wander in the cold in search of food. ठीक है, उसका मतलब ये हुआ चींटी ने क्या पूरी समर उसने काम किया, ठीक है, उसके पास जो है पूरी समर उसने काम किया तो इसके उसे विंटर में काम नहीं करना पड़ता, विंटर में वो आराम से वो अपने घर में आराम से सुरक्षित रहती है, ठीक है। फिर अंदर उसे क्या है भोजन की तलाश में, चींटी को भोजन की तलाश में ठंड में नहीं भटकना होता, जिस तरह क्रिकेट है
उसके पास ठंडियों में खाना नहीं था तो वो चींटी के पास आया, लेकिन जो है एंट के पास है भोजन की तलाश में, जो ठंड में इधर उधर नहीं भटकना पड़ा क्योंकि उसने पूरी समय काम किया। ठीक है, अब आता है सीजन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेदर। ठीक है, वेदर एंड सीजन। वेदर एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस टेल अस हाउ हॉट कोल्ड और वेट द एयर इज एंड हाउ फास्ट इट्स मूविंग। वेदर मतलब हमारा क्या होता है, मौसम। ठीक है, वेदर चेंजेस एवरी डे, और जो हमारा मौसम होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, बदलता रहता है। ठीक है, इट कैन इवन चेंज सेवरल टाइम्स इन वन डे, और एक दिन में अगर देखा है तो एक दिन में कई बार चेंज होता है और डेली बदलता रहता है। सम डेज कैन बी हॉट और कोल्ड, कभी कभी गर्मी होती है कभी ठंडी होती है, वाइल सम डेज कैन बी रेनी, कभी बारिश होती है कभी क्लाउडी होता है कभी विंडी होती है, हवा चलती रहती है। ठीक है, फिर आता है सीजन। When the weather remains same for long time, we call it season. जब हमारा मौसम लंबे समय के लिए एक जैसा होता है, ठीक है, same for a long time, लंबे समय तक एक ही मौसम होता है, उसी को हम सीजन कहते हैं। Every season has different weather condition. हर सीजन का जो weather condition होता है वो अलग होता है। जैसे देखें, समर का अलग होता है, रेनी का अलग होता है, एटम का अलग होता है। ठीक है, सारे सीजन के वेदर कंडीशन अलग अलग होते हैं। When the weather is hot, it is called summer season. जब हमारा मौसम गर्म होता है, वेदर हमारा हॉट होता है तो हमारा समर सीजन होता है, और जब कोल्ड होता है तो विंटर सीजन होता है। ठीक है, एज द सीजन चेंजेस आवर बॉडी रिक्वायरमेंट फूड एंड क्लोथ ऑल्सो चेंजेस, और जैसे जैसे हमारा सीजन चेंज होता है, जैसे जैसे हमारा मौसम चेंज होता है, हमारे जो भी फूड और क्लोथ्स भी मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ओके, दे आर मेरी फोर सीजन, अगर बात की जाए देखो हमारे फोर सीजन होते हैं, समर सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। इन इंडिया वी हैव रेनी और मानसून सीजन, और रेनी सीजन जिसको मानसून भी कहते हैं। अब देखिए, लेट्स ट्राई वन में, लुक आउट ऑफ द विंडो एंड सी हाउ द वेदर इज टुडे। आपको ये देखना, अपने विंडो के बाहर देखना और आपको ये बताना कि आज का मौसम कैसा है। ठीक है, जैसे आप बता सकते हो सनी है या क्लाउडी है या रेनी है या विंटर है। ठीक है, तो आपको सनी, क्लाउडी, रेनी, आपको डे के अकॉर्डिंग आपको वेदर इसमें बताने हैं। ठीक है, इज इट सनी, क्लाउडी, रेनी और विंटर, आपको इसमें से बताना सनी है कि क्लाउडी है कि रेनी, तो इसको आपको इसमें कंप्लीट करना है। अगर सनी है तो सनी लिखेंगे, क्लाउडी है, रेनी है, जो भी है वो आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे आज कैसा मौसम है, तो आज का मौसम सनी है, तुमने सनी लिख दिया, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करोगे। एंड विच इज योर फेवरेट सीजन, आपका फेवरेट सीजन क्या है वो आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है समर सीजन। समर सीजन मतलब गर्मियों का मौसम। इन समर इट इज वेरी समर में क्या होता है, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, समर सीजन होता है मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक है, ये हमारा समर सीजन होता है, मार्च, अप्रैल एंड मई। मैंगोज एंड वाटरमेलन आर समर फ्रूट्स, और मैंगो और वाटरमेलन हमारे क्या होते हैं, समर फ्रूट्स होता है। ओके, इसे प्राची इज स्वीटिंग अ लॉट बिकॉज इट इज वेरी हॉट। ठीक है, जैसे पिक्चर को देख लीजिए, और सुमन इज वीयरिंग लूज कॉटन क्लोथ्स इन कीपिंग कूल। समर में क्या कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ये बोला है अरो इज थर्स्टी, वी वॉन्ट टू ड्रिंक मोर एंड मोर, और गर्मी में प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। रुचि लव समर बिकॉज ही गेट्स ईट मैंगोस, क्योंकि उसको समर भी पसंद है क्योंकि वहाँ समर में मैंगोस मिलते हैं। ठीक है, अब आता है लेट्स ट्राई टू। लेट्स ट्राई टू में आपको मिसिंग लेटर है, जैसे सैंड कैसल, सनग्लासेस, आइसक्रीम, वाटरमेलन, कैंपिंग, सर्फिंग, बीच, बोलरिंग, स्विमिंग, बीच अम्ब्रेला, पिकनिक, मैंगोस। ओके, इसको आपको कंप्लीट करना है। फिर आता है आपका रेनी सीजन, बारिशों का मौसम। After a hot summer comes a rainy season. गर्मियों के बाद कौन सा मौसम आता है, रेनी सीजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मानसून सीजन, इसको मानसून सीजन भी कहते हैं। At many places in India we have rainy season in the month of June, July, August. रेनी सीजन कब होता है, जून, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। ये हमारा रेनी सीजन होता है। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर।
दिव्या इज गोइंग टू द मार्केट, शी इज वेयरिंग अ रेनकोट। अब देखिए बारिश में क्या पहनते हैं, जब बारिश हो रही हो तो रेनकोट, ठीक है। सम पीपल आर कैरिंग अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का यूज करते हैं, रेनकोट पहनते हैं। सम पीपल आर स्टैंडिंग इन ट्री, और जब बारिश होने लगती है, हम कहीं जा रहे हैं रास्ते बारिश होती है, पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हो जाते हैं। द रेन फील्स द ड्राइड अप लेक्स, और ये बारिश का पानी कहाँ पर जाता है, द रेन फील्स द ड्राइड अप लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज, और यही बारिश का पानी हमारे वाटर वाटर बॉडीज में जाता है, जैसे लैंड हो, जैसे लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, रिवर हो गया, ये सारे में ये हमारे वाटर बॉडीज होती है, बारिश का पानी इसी में जाता है, ठीक है। अब आता है लास्ट ऑटम सीजन, क्या होता है, ना ही तो ज्यादा ठंडी होती है और ना ही तो ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ही तो ज्यादा गर्मी होती है ना ही तो ज्यादा ठंडी होती है। द लीव्स ऑन सम ट्री ड्राई एंड बिकम येलो, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, येलो कलर में आ जाती है। दे फॉल ऑफ द ट्री, और ट्री से मतलब पतझड़ का मौसम, इसे हम पतझड़ भी कहते हैं, ठीक है। एट सम प्लेसेस इन इंडिया, ये हमारा जो ऑटम सीजन होता है इसको हम पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, इसमें जितने पेड़ पे जो भी पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है। अभी है ऑटम सीजन मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। एक अक्टूबर होता है, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, ठीक है, एंड सम पार्ट्स इन दिसंबर, ठीक है, कुछ पार्ट दिसंबर का कुछ पार्ट ही होता है, ठीक है। इन द पिक्चर प्रीत इज हेल्पिंग फादर क्लीन द गार्डन, मैंने ये सब देखे, जैसे ये पूरा जो है पेड़ के जो भी पत्तियां होती है वो पूरा ऐसे पतझड़ हो जाती है, गीली रहती है, ठीक है, फॉल होता था। दिस फादर टोल्ड इन दैट ऑटम सीजन आल्सो टू फॉल इन सम कंट्री, और इसे पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, इसमें जो ट्रीज होती है उनके जो पत्ते हैं पूरे गिर जाते हैं, ठीक है, और स्प्रिंग सीजन में नई लीव्स आ जाती है। तो बेटा यहाँ तक का जो भी डाउट है वो आप उससे पूछ सकते हो, इसके आगे के जो भी टॉपिक्स है मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। थैंक यू।